में पूरा पढ़ा, अनेक ऋषि में पढ़ा नहीं था। इन्हें सब याद ही है, इसलिए कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ता। आज आरंभ से अंत तक पढ़ा, मुझे भी अच्छा लगा। आप लोगों ने कितने कितना पढ़ा, किसने कितना पढ़ा है मैं पूछूंगा नहीं, पूछूंगा आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे, अनावश्यक मुझे विकल्प होंगे। उसकी अपेक्षा आपको अभी मैं किताब बंद करने के लिए कहता हूँ, एक विशिष्ट विषय बोल रहा हूँ, जिनके ज्ञान में हो वे दोबारा सुने, जिनके ज्ञान में न हो वे शुरू से सुने। मैं अभी कहूँगा और तत्काल ही कहना पड़ते ही मैं पूछूँगा। चौदह गुणस्थानों में कौन कौन से गुणस्थान के बिना भी मुक्ति होती है यह प्रकरण इसके पहले भी कहा था, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा इस संदर्भ में बोल रहा हूँ। छठवा गुणस्थान अनिवार्य ही है, दूसरे गुणस्थान में और छठवें गुणस्थान में समानता यह है, दोनों गुणस्थान नियम से नीचे गिरते समय ही होते हैं। और असमानता यह है, साधन से जीव नियम से मिथ्यात्म में जाता है और प्रमत्व गुणस्थान से मिथ्यात्म में जाने का नियम नहीं है, नीचे भी अनेक गुणस्थानों में गमन कर सकता है, ऊपर सातवें गुणस्थान में गमन कर सकता है। दोनों गुणस्थान छठवा भी दूसरा भी पतन की निशानी है, नीचे गिरते समय ही होते हैं। एक मोक्ष मार्ग रूप है, एक मोक्ष मार्ग का विरोधक गुणस्थान है। अब यह कहूँगा इन गुणस्थानों के बिना मुक्ति ही होती ही नहीं, इन गुणस्थानों के बिना भी मुक्ति होती है, इन गुणस्थानों के बिना मुक्ति होती है। ऐसे कौन कौन से गुणस्थान हैं, कितने विद्यार्थी कह सकते हैं इन गुणस्थानों के बिना मुक्ति होती ही है, हो सकती है, इन गुणस्थानों की प्राप्ति तो नहीं होगी और मुक्ति होगी। आपस में बात नहीं करना, सलाह नहीं करना, मात्र मौन रहना। जिनका आता हो वे मुझे संकेत करे, जिनसे पूछना हो तो मैं पूछूंगा। अब इस लाइन में जो है ना, मैं एक एक को गुणस्थान एक एक गुणस्थान एक से सुनूंगा, एक ही गुणस्थान बता देना। दूसरे गुणस्थान के बिना मुक्ति होती है, क्योंकि नीचे नहीं गिरेगा, दूसरे गुणस्थान में नहीं आएगा, मुक्ति होगी। तीसरे गुणस्थान के बिना मुक्ति होती है कि उस समय मिथ्यात्म में जीव आएगा ही नहीं, मुक्ति होगी। आगे दसवें गुण, ग्यारहवें गुणस्थान के बिना कर्म भंग करके कहोगे तो हमें सुनने में रस नहीं है। कर्म पांचवें गुणस्थान कर्म भंग हो गया, कर्म भंग करके सुनाओगे तो हमें अपेक्षित नहीं है। चौथा, अब यूं ही बोलना ऐसा है, अब सिद्ध करो चौथे गुणस्थान के बिना कैसे। जैसे कोई द्रव्यलिंगी मुनि है वो पहले गुणस्थान में है तो पहले से सीधे सातवें में जा सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बात तुम्हारी सही होने पर भी यहाँ सत्य नहीं है। बैठिए बोलो। चौथे गुणस्थान में आए बिना भी मुक्ति हो सकती है, क्योंकि कोई छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज हैं तो ऐसा नियम नहीं है कि वे चौथे में आएंगे ही आएंगे, वे छठे से आगे शून्य मांड के ऊपर मोक्ष में चले जाएंगे। ये यहाँ उपयुक्त नहीं है, यहाँ उपयुक्त ये है बेटे, जो कोई जीव द्रव्यलिंगी मुनिराज अथवा द्रव्यलिंगी श्रावक पहले से पांचवे में जाएंगे, पांचवे से सातवें में जाएंगे, चौथे में आने का काम ही नहीं, ये बताना चाहिए। दूसरे में नहीं आएंगे तो काम चलता है, तीसरे गुणस्थान में नहीं आएंगे तो काम चलता है, चौथे गुणस्थान में नहीं आएंगे तो काम चलता है। उसी तरह
अब कर्म से नहीं, अभी नहीं, बोलो बताओगे ना कौन से गुणस्थान के बिना? पांचवें गुणस्थान में आए बिना भी मुक्ति हो सकती है। क्यों, कैसे? क्योंकि कोई द्रव्यलिंगी मुनि हो, पहले गुणस्थान से सीधा सातवें गुणस्थान में चला जाए और वहां से फिर छठे में आके आगे श्रेणी मान के मोक्ष चले जाए। ठीक है, पांचवें गुणस्थान में आने की आवश्यकता नहीं। अब आगे कौन से गुणस्थान के बिना मुक्ति होगी? अगले ग्यारहवें गुणस्थान, ग्यारहवें गुणस्थान के बिना भी मुक्ति होगी। उपशम श्रेणी मान लेंगे ही नहीं बेटी, उपशम श्रेणी मान लेंगे ही नहीं, सीधा क्षेप श्रेणी मान लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। यानी दूसरा, सुना बराबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ग्यारहवा, इन पांच गुणस्थानों को प्राप्त के बिना भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। अभी शंका के लिए कुछ अवकाश नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं? अभी पूछने की कुछ आवश्यकता नहीं ना, पूछने की आवश्यकता नहीं ना, अभी क्या बोल रहे हो बोलो, मुझे समझ में नहीं आया, बोलो। काम हो गया? यानी ये समझना, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ग्यारहवें गुणस्थान के बिना मुक्ति हो सकती है। फिर से एक बार बोलता हूँ, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ग्यारहवे, इन पांचों गुणस्थानों को प्राप्त किए बिना भी जीव मुक्त हो सकता है। और उसमें मुख्य रीति से छठवें गुणस्थान को प्राप्त किए बिना तो मुक्ति होगी ही नहीं। श्रेणी के जो गुणस्थान हैं, सातवें से लेकर, सातवां गुणस्थान श्रेणी का नहीं है, श्रेणी के तैयारी का गुणस्थान है। श्रेणी के गुणस्थान आठवें से है और सातवें गुणस्थान में श्रेणी की तैयारी होती है। कैसी तैयारी होती है? सातवें में, सातवें गुणस्थान के दो भेद हैं, एक स्वस्थान अप्रमत्त, एक सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त मुनिराज ही श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। फिर से, सातवें गुणस्थानवर्ती जो सातिशय अप्रमत्त मुनिराज है वे ही श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करने की मुख्यता से सातवें गुणस्थान से श्रेणी का प्रारंभ सामान्य रीति से माना जाता है। वास्तविक श्रेणी का गुणस्थान चौथे से ही है, अन्य कोई गुणस्थान नहीं। अब हम ये सोचेंगे छठवें गुणस्थान में भावलिंगी मुनिपना है या नहीं। उसके पहले और एक बात, भरत चक्रवर्ती एक अंतर्मुहूर्त में ही मुक्त हो गए। पहले तो चौथा गुणस्थान था शुरू से ही और मुनिराज बन गए और अल्पकाल में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब प्रश्न ये है, उनको छठवां गुणस्थान हो गया था या नहीं हुआ था? छठवें गुणस्थान के बिना उनको मुक्ति हो सकती है, ऐसा किसी का कहना है? छठवें गुणस्थान के बिना भी मुक्ति हो सकती है, ऐसा किसी का कहना है? किसी का भी कहना ऐसा नहीं है, छठवें गुणस्थान के बिना मुक्ति होती ही नहीं। छठवां गुणस्थान तो पतन का गुणस्थान है, हीन अवस्था रूप गुणस्थान है। स्पर्श, तुम्हारे पीछे कौन है? तुम ऐसा बैठो, मुझे देखना चाहिए तुम्हें। हाँ, छठवां गुणस्थान ऐसा गुणस्थान है जो गुणस्थान पतन के काल में होता है, परमत्व रूप गुणस्थान है, तो उसे हम भावलिंगी क्यों कहेंगे भाई? भावलिंगी मुनिराज के गुणस्थान क्यों होंगे? शुभोपयोग है,
पतन से प्राप्त होने वाला गुणस्थान है, उसे हम भावलिंगी मुनि का गुणस्थान क्यों कहेंगे? यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपके पास क्या उत्तर है? छठवां गुणस्थान पतन के काल में होता है तो भी मुनि का गुणस्थान है, भावलिंगी मुनि का कैसे? कितने लोग कह सकते हैं भावलिंगी मुनिराज का गुणस्थान कैसे? छठवां गुणस्थान भावलिंगी मुनि का गुणस्थान कैसे? क्या कारण है भावलिंगी मुनि का गुणस्थान किस कारण से है? बोलना हो तो हाथ उठाना। बोलोगे? बोलो। छठवां गुणस्थान भावलिंगी मुनि का गुणस्थान क्यों? सातवें गुणस्थान से, जब सातवां गुणस्थान भावलिंगी मुनियों का है तब सातवें गुणस्थान से यदि च्युत होकर जो जब छठवें गुणस्थान में आते हैं तब उनका भावलिंगीपना रहता ही है। नहीं, प्रश्न ये है किस कारण से रहता है भावलिंगीपना, किस कारण से है? तीन दशा चौकड़ी का अभाव छठवें गुणस्थान में भी है। हाँ, ये उत्तर सही है। तीन कषाय चौड़ के अभाव पूर्वक व्यक्ति भी इतराता उनके जीवन में बराबर बनी रहती है, इसलिए छठवां गुणस्थान भावलिंगी मुनि का गुणस्थान है। अच्छा बता दिया, छठवां गुणस्थान नियम से भावलिंगी मुनि का गुणस्थान है। समझ लो, बुढ़ापा आ गया है, शरीर बहुत शिथिल हो गया है, बैठना नहीं बनता, लेटे रहते हैं तो भी छठा सातवां गुणस्थान होता रहता है, और कदाचित थोड़ी अल्प स्वल्प मात्रा में बीच बीच में बेहोशी भी आएगी तो भी छठा सातवां गुणस्थान होता रहता है बेहोश अवस्था में भी। क्यों? एक बार जो तीन कषाय चोट का अभाव हो गया है और पुरुषार्थ बराबर चालू है तो छठवें गुणस्थान में आने पर भी वो भावलिंगी मुनिपना बराबर बना रहता है। बोलो। हमने सम्यक की पात्रता में पढ़ा था कि जागृत जीव है उसको ही सम्यक होगा, जो जागृत जीव है जगमाणोपजत्तो, जो जागृत जीव है उसको ही सम्यक होगा। तो जो जीव सुप्तावस्था में है मतलब बेहोशी में है उनको छठवें से सातवां कैसे हो सकता है? ऐसा है, उत्पन्न होने की अपेक्षा से ज्ञानोपयोग में उत्पन्न होता है, ज्ञानोपयोग में ही सम्यक उत्पत्ति होती है। ये मुनिपना बेहोश अवस्था में नहीं रहती, ऐसा नहीं है। ज्ञानोपयोग में ही सम्यक उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होने के लिए ज्ञानोपयोग आवश्यक है। उत्पत्ति होने के बाद यदा कदाचित वृद्धावस्था के कारण से किंचित बेहोश भी आ जाए तो भी छठा सातवां रह सकता है। हाँ बोलो। हेलो अन्ना जी, आप अन्ना जी आपने बताया था कि मतलब इन गुणस्थानों के बिना भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो आपने बताया था कि तीन गुणस्थानों के बिना? मैंने ये बात बताई नहीं। तीन गुणस्थानों के नहीं, इन गुणस्थानों के। हाँ। तो आपने बताया था कि जब जीव पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में पुरुषार्थ करके जाता है तो चौथे गुणस्थान को छूकर जाता है। इसका अर्थ मैंने बताया था, छूकर जाता है, इसका अर्थ चौथे का सातवें का काम एक साथ करता है ना जी। तो चौथे गुणस्थान के बिना कैसे मुक्ति? कैसे पागलपन की बात करते हो? मैं ये बोल रहा हूँ छूते हुए जाता है, इसका अर्थ चौथे गुणस्थान का काम सातवें गुणस्थान का काम एक साथ करता है। चौथे गुणस्थान का सम्यक्त प्राप्ति का काम करता नहीं, ऐसा उसका अर्थ नहीं है।
एक बार एक विषय समझाने पर समझ में आना चाहिए। ये तो स्वामी जी की भाषा में, वे किस भाषा में बोलते हैं उसका ज्ञान कराया। यानी कल आपको कभी टेप में सुनने को मिलेगा, कोई पूछेगा तो नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा बोलने का काम नहीं है। चौथे गुणस्थान को स्पर्श करता हुआ सातवें में जाता है, इसका अर्थ चौथे गुणस्थान का काम और सातवें गुणस्थान का काम एक साथ होता है। समझ में है? हाँ, अब बोलो। अब जो आप पढ़ के आए हो उसके आधार से जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देंगे, अथवा मैंने जो बताया वो समझ में नहीं आया हो वो पूछेंगे। लेकिन इधर उधर सुना हुआ विषय पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। काल के संदर्भ में प्रश्न है कि कुछ सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि सातवें गुणस्थान से च्युत होकर छठवें गुणस्थान में आते हैं, तो वहाँ वे सातवें से च्युत होकर चौथे में नहीं आते, छठे में हाँ छठवें गुणस्थान में आते हैं, तो छठवें में कम से कम कितना काल रहकर पुनः सातवें में जा सकते हैं? छठवें गुणस्थान का बैठिए, छठवें गुणस्थान का सामान्य काल अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त रहेंगे और सातवें में जाएंगे। अंतर्मुहूर्त ही कम से कम है, इससे कम की बात नहीं है। मात्र मरण की अपेक्षा से ही एक समय की बात है, नहीं तो अंतर्मुहूर्त का ही काल है। और ये भी समझना, छठवें गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त, सातवें का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। फिर से सुनो, ये आदत छूट जाना चाहिए, आपस में बात करने की आदत छूटना चाहिए, ऐसा मत बैठूंगे। कौन सी चिंता में चिंताग्रस्त लोग ऐसे बैठते हैं, क्या चिंता करना है? हाँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, छठवें गुणस्थान में जघन्य काल अंतर्मुहूर्त ही है, सातवें काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। छठवें का जघन्य काल एक समय जो बताया, मैं इतना बता रहा हूँ तो भी वो इससे बात कर ही रहा। बात आपस में मत करो, ऐसा तुमसे मैं बोल रहा हूँ तो भी तुम उनसे बात कर रहे हो, ये आदत अच्छी नहीं है, बिल्कुल ही बात नहीं करें। मेरी कक्षा में बैठना हो तो नियम समझना, छठवें गुणस्थान का काल जघन्य काल एक समय जो बताया वो एक समय काल अंतर्मुहूर्त, एक समय का काल मरण की अपेक्षा से है, वैसे छठवें गुणस्थान का काल नियम से अंतर्मुहूर्त ही है, सातवें का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है, लेकिन छठवें गुणस्थान से सातवें का अंतर्मुहूर्त नियम से आधा है और सातवें से छठे काल नियम से दुगुना है। ऐसा क्यों? स्वरूप ऐसा है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका है उसके अनुसार आचार्यों ने कहा है, तद अनुसार हमें जानना है। ऐसा क्यों यह प्रश्न नहीं है, फिर से बताता हूँ, सातवें का अंतर्मुहूर्त काल है, छठवें का भी अंतर्मुहूर्त काल है, सातवें का जितना अंतर्मुहूर्त काल है उससे दुगुना काल छठवें का है, छठवें का जितना अंतर्मुहूर्त काल है उससे आधा काल सातवें का है। अब बोलो, अब जो आपने पढ़ा है, पढ़ा हो तो पूछो, अथवा जो बताया है उस संबंध में जो समझ में नहीं आया हो तो पूछो। किताब खोल भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, पढ़ने के बाद पूछो। कदाचित आज आप पेपर के कारण से पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाया हो तो भी आप अभी पढ़ो, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, और जो समझ में नहीं आएगा वो पूछना, और आज पूछना नहीं बनेगा तो कल तो कक्षा होगी ही होगी, कल पूछना।
बोलो। क्वेश्चन ये है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि पहले गुण स्थान से सातवें में जाएंगे और छपक श्रेणी मार्ग के सीधे मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो छठवें गुण स्थान में आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा होता ही नहीं, नियम से ऐसा होता नहीं। सातवें से छठे में हजारों बार आना बनता है, बाद में ही सातवें से श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ हो सकता है, उसके बिना नहीं होता, ये बताना मुख्य है। बोलो। धीरे से निकलना भी, फूकना वास्ते फूकना उपाय है, उसको पीटना उपाय नहीं है। तीव्र कषाय के कारण से पीटने का काम बनता है, ऐसा तीव्र कषाय न हो। बोलो। कि अंतर मुहूर्त में हम अपनी आत्मा को जानेंगे तो हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से सातवें में जाता है तो फिर अंतर मुहूर्त वहाँ रहेगा, फिर वहाँ से छठवें में जाएगा तो अंतर मुहूर्त रहेगा, तो अंतर मुहूर्त में मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? 15 अंतर मुहूर्त लगते हैं, 15 अंतर मुहूर्त का जोड़ लगाने के बाद भी उनका जोड़ भी अंतर मुहूर्त ही होता है। अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं, अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं, इस कारण से सब होगा। हाँ, ये अपूर्व पुरुषार्थ एक स्थान पे आया है इसी किताब में, बाद में देखना, अभी मत देखना। अपूर्व पुरुषार्थ ऐसा प्रकरण दिया है, उसे बाद में देखना। बोलो। ग्यारहवें गुणस्थान से जीव नियम से गिरता है क्या? ग्यारहवें गुणस्थान में जाने के बाद सीधा बारहवें में नहीं जा सकता, गिरेगा ही? नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता। बैठो। श्रेणी के दो रास्ते हैं, थोड़ा इधर देखना। छठे तक तो एक रास्ता, सातवें में इधर एक, इधर एक, छठे तक ऐसा एक रास्ता हो गया, फिर इधर इधर, ऐसा दो रास्ते होते हैं। एक उपशम श्रेणी का रास्ता, एक क्षपक श्रेणी का रास्ता। उपशम श्रेणी के रास्ते में आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, चार गुणस्थान आते हैं। क्षपक श्रेणी के गुणस्थान में आठवां, नौवां, दसवां, बारहवां, ये चार गुणस्थान आते हैं। क्षेपक श्रेणी के मार्ग में उपशांत कषाय, उपशांत मोह गुणस्थान आता ही नहीं, इसलिए उपशांत सूक्ष्म संप्राय वाले क्षीण मोह में नहीं जा सकते और उपशांत मोह वाले बारहवें में नहीं जा सकते। बोलो। जरूर अंतर है, शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में अंतर है। शुद्धोपयोग तो चारित्र और ज्ञान दोनों गुणों का मिश्र परिणाम है शुद्धोपयोग। फिर से, शुद्धोपयोग शुद्धता बताता है चारित्र गुण, उपयोग बताता है ज्ञान गुण, दो गुणों के मिश्र पर्याय को शुद्धोपयोग कहते हैं। और शुद्ध प्रणति मात्र चारित्र गुण की पर्याय है। शुद्ध प्रणति अखंड रहती है, शुद्धोपयोग छठे सातवें स्थान में अखंड नहीं रहता, सातवें के बाद ऊपर चढ़ते समय अखंड रहता है। बोलो। छठवां गुणस्थान शुद्ध परिणति रूप शुभोपयोगी है, शुभोपयोगी है, शुद्ध परिणति के साथ शुभोपयोगी गुण, शुभोपयोगी छठवां गुणस्थान है। शुभोपयोग है
परिणत शुद्ध है। और थोड़ा बारीक से भी सुनो, जिस तरह सुना बराबर छठवें गुणस्थान में शुद्ध प्रणति कही, उसी तरह छठवें गुणस्थान में शुभ प्रणति भी है, शुभोपयोग है, शुभ प्रणति है, अशुभ प्रणति भी है। चौथे गुणस्थान से तीन प्रणतियां चालू है, एक शुद्ध प्रणति, एक शुभ प्रणति, तीसरी अशुभ प्रणति। कैसे? पांच मिनट कोई कुछ पूछोगा नहीं, सुनना मात्र। तीनों कैसे? चौथे स्थान में शुद्धोपयोग काल में शुद्धोपयोग होगा, पूजन आदि करते समय शुभोपयोग होगा, और अबुद्धिपूर्वक जो पाप परिणाम है उस कारण से अशुभ अशुभ परिणति होगी। पांचवें स्थान में भी शुद्धोपयोग के काल में शुद्धोपयोग होगा, और उसी समय सामयिक में बैठे हैं, अभी सामयिक नहीं लगा, शुद्धोपयोग नहीं लगा, उस समय शुभ शुभ परिणति है, शुभ परिणति पुण्य रूप परिणाम है। उसी समय गृहस्थ योग्य पाप परिणाम भी उनके जीवन में आते हैं, अशुभ परिणति है। छठवें स्थान में शुद्ध परिणति है, शुभ परिणति भी है, उपयोग शुभोपयोग है। सातवें में शुद्धोपयोग है, शुद्ध परिणति है। आठवें में शुद्धोपयोग है, शुद्ध परिणति है, और वहाँ भी अशुभ परिणति है। सातवें में, आठवें में, नवें में, दसवें में भी जब तक चैतन्यमुनि कर्म का उदय है, अबुद्धिपूर्वक पाप परिणाम है, तब तक शुभ परिणति अशुभ परिणति दोनों रहते हैं। छठवें में शुभोपयोग शुद्ध परिणति अशुभ परिणति, सातवें में शुद्धोपयोग शुभ परिणति अशुभ परिणति, आठवें में भी ऐसा ही, ऐसा यह क्रम दसवें स्थान तक चलेगा। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति और अशुभ परिणति, क्योंकि वहाँ भी अशुभ परिणाम अबुद्धिपूर्वक होते हैं। जैसे देखो, सपने में आप लोग कभी कभी झगड़ा करते होंगे, झगड़ा होता होगा सपने में। सपने में जब झगड़ा होता है, उस झगड़े में यदि सपना गाढ़ नींद लगी हो और सपना सपने में बहुत मशगूल हो, तो हम अपने हाथ से उसे पीटते हैं, उस समय अपना हाथ उठाकर भी पीटते हैं, फिर ख्याल में आता है ये तो सपना था। उस समय सपने में भी अशुभ प्रणति बराबर चलती है, शुभ प्रणति भी चलती है। परिणामों का जितना सूक्ष्म कथन दिनधर्म में आया है, ऐसा कथन अन्य जगह कहीं भी नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि दिनधर्म सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ है, रथ्या पुरुष का कहा हुआ धर्म नहीं है। और बोलो बोलो। श्रेणी में एक से उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी में चार चार गुरुस्थान होते हैं दोनों में, तो ऐसा नियम है कि आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां, कि ऐसा नियम है कि आठवें से नौवें भी जा सकता है, दसवें भी जा सकता है, ग्यारहवें भी जा सकता है। ऐसा जल्दी क्यों करें, जब श्रेणी की बात आएगी ना तब कहेंगे ना। तो जिज्ञासा हो गई थी मैंने, विषयांतर करके जिज्ञासा नहीं करना। आठवें से नवें, नवें से दसवें, इसी क्रम से जाएगा, क्रम भंग करके नहीं जाएगा। लेकिन क्रम भंग करके पूछो मत, क्रम से ही पूछो। बोलो। अन्ना जी, जैसे कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज प्रारंभ से पहले गुणस्थान में है, और जो मुनिराज भावलिंगी
सातवें गुण स्थान में है, सातवें से चौथ होकर छठवें में आए और छठवें से चौथ होकर प्रथम गुण स्थान में गए। तो जो द्रव्यलिंगी पहले से प्रथम गुण स्थान में है और जो छठवें से चौथ होकर पहले गुण स्थान में गए, उन दोनों के परिणामों में विपरीतता होगी या उन परिणाम समान ही होंगे? फिर से पूछो शांति से, सभी सुने बने। जो द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से पहले गुण स्थान में है और जो छठवें से चौथ होकर पहले गुण स्थान में आए, जो मुनिराज पहले छठवें से सातवें में गए, पहले छठवें से सातवें गए फिर सातवें से छठवें गुण स्थान में आए, हाँ। और परिणामों की यदि विपरीतता हुई तो पहले गुण स्थान में भी आ गए, हाँ। तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से मिथ्यात् गुण स्थान में है, यानी जिनने पांचवें गुण स्थान के ऊपर अभी उन्हें गमन ही नहीं किया द्रव्यलिंग मुनिराज ने, और जो भावलिंगी भी होगा और भावलिंगी से चौथ होकर द्रव्यलिंगी बना धारण करके पहले गुण स्थान में आ गए, तो उन दोनों के परिणाम क्या उनके परिणाम इतने होंगे? दो मुनिराजों की बात है क्या? ऐसा है मिथ्या तुषण में आएंगे तो दोनों का मिथ्या तुषण समान रहेगा। मिथ्या तुषण इसीलिए तो मिथ्या तो कहेंगे, अनादि मिथ्या दृष्टि हो द्रविलिंग मुनि है, और छठवें से द्रविलिंग मुनि हो गए पहले में आ गए, दोनों का गुणस्थान एक हो गया तो एक ही परिणाम हो गया, एक गुणस्थान हो गया, गुणस्थान एक हो गया। अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो उनका अभी संसार शांत नहीं हुआ, सादी मिथ्या दृष्टि हो शांत हो गया है, मिथ्यात्व में आते ही गुणस्थान एक। बोलो अन्ना जी, जब सात भावलिंगी मुनिराज भावलिंगी छोड़कर द्रव्यलिंगी पहले गुणस्थान में आ गए, तो उनका अनुभव का जो काल था तो द्रव्यलिंगी जो मिथ्या दृष्टि थे पहले गुणस्थान में, और जो भावलिंगित्व छोड़कर भावलिंगित्व से हटकर द्रव्यलिंगी में पहले गुणस्थान में चले गए, तो उन दोनों के परिणामों में कुछ डिफरेंस नहीं होगा फर्क? यदि दोनों के परिणामों में बहुत बड़ा अंतर होगा तो गुणस्थान एक क्यों कहते हो? गुणस्थान श्रद्धा और चरित्र की अपेक्षा बात करता है, दोनों का गुणस्थान एक है, एक है तो क्या फर्क देखना उसमें? पुण्य पाप का फर्क देखना हो तो फर्क बोलना ही नहीं उसे, क्योंकि श्रद्धा और चरित्र की अपेक्षा से गुणस्थान होते हैं, गुणस्थान एक हो गया तो सब एक हो गए। हाँ बोलो। छठे गुण स्थान में भावलिंगी पना उदय पूर्वक होता है या अनुदय पूर्वक होता है? क्या? छठे गुण स्थान में भावलिंगी पना उदय पूर्वक होता है या अनुदय पूर्वक होता है? ऐसा है ना भाई, भावलिंगी मणिपना तो शुद्ध परिणति से होता है, उदय पूर्वक अनुदय पूर्वक मुझे समझ में नहीं आता प्रश्न। उदय पूर्वक किसका उदय किसका अनुदय ऐसा कुछ कहोगे तो पता चलेगा। भावलिंगी पना छठे में जो होता है वो जितना होना चाहिए उतना होता है। भावलिंगी मुनिपने में तीन कैसे चोट का अभाव रूप में शुद्धता चाहिए उतना होता है, बराबर ने किसके साथ साथ किसके साथ तुलना करना चाहते हो? तुलना किसके साथ करके पूछना चाहते हो? भावलिंगी पना बराबर रहता है, जो जो छठवें स्थान में होंगे उनका सबका भावलिंगी पना समान रहेगा, और पाप पुण्य की अपेक्षा से थोड़ा अंतर हो तो हमें तो मात्र श्रद्धा और चरित्र की अपेक्षा से देखना है, बाकी देखना ही नहीं, श्रद्धा और चरित्र की अपेक्षा से देखना है। हाँ बोलो अन्ना जी, जैसे छठे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल आपने अंतर्मुहूर्त बताया, तो जैसे कोई मुनि छठवें से सातवें में, सातवें से छठवें में, छठवें सातवें में झूलते झूलते उत्कृष्ट काल, ऐसे कितने काल तक छठवें सातवें में ऐसे झूल सकते हैं? उसका कोई काल परिमाण? पूरा जीवन छठे सातवें में घूमते हुए चला जाए, उत्कृष्ट परिमाण है कि उसका काल का है ना? भावलिंगी पन मुनि पना जब तक है और जब तक मुक्ति नहीं होगी, ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो छठे सातवें उस समय झूलते रहेंगे। उसका कोई उत्कृष्ट काल का निश्चित संख्या है क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे नीचे नहीं गिरेंगे
तब तक घूमते रहेंगे, रह सकते हैं। बोलो जी, इसमें प्रश्न आया है, बुलाक आदि निर्ग्रंथ नहीं होते हैं, तो ये इनका कुशील व कुछ स्नातक निर्ग्रंथ, इन ये कौन से वेद हैं और इनमें कौन कौन सी विशेषता रहती है? भावलिंगी मुनिपना, सब में भावलिंगी मुनिपना है, उसका अधिक विवरण तुम्हें देखना हो तो बड़ा तत्व सूत्र जो है मोक्ष शास्त्र उसमें देखो, नवेदिकार में देखो। अन्ना जी, जो आपने बताया कि एक समय जगन्नाथ काल छठवें गुणस्थान का है, तो जब मुनिराज उनकी यानी आयु एक समय रह गई हो, आयु पूर्ण होने वाली हो, और वो छठवें गुणस्थान में आएंगे, तो ऐसा नियम है कि जब उनकी आयु पूर्ण होगी और जो अंतिम समय बचेगा एक समय, तो छठवें गुणस्थान में आएंगे, ऐसा नियम है क्या? नियम तो बिल्कुल नहीं, सातवें गुणस्थान में रहते हुए एक समय आयु रही और छठे में आना बनेगा तो मरण की अपेक्षा उनको एक समय बन सकता है, नियम बिल्कुल नहीं। दो समय आवे और दो समय का मरण होगा, तीन समय हो तो तीन समय में मरण होगा, लेकिन जघन्य एक समय का होगा, जघन्य काल बता दिया। छठवें और सातवें गुणस्थान में यदि किसी मुनिराज का मरण होता है तो छठवें की अपेक्षा अलग गति उनको मिलेगी, सातवें की अपेक्षा अलग गति मिलेगी, ऐसा कोई नियम है? क्या अलग मिलेगी? जैसे छठवें गुणस्थान में मुनिराज का मरण हुआ और सातवें गुणस्थान में मरण हुआ, तो सातवें में तो शुद्ध भाव है और छठवें में शुभ भाव है, तो इस अपेक्षा से उनको कोई अलग अलग गति मिलेगी या फिर एक ही गति में जा सकते हैं? ऐसा है, आयु कर्म का बंध जहाँ हुआ हो उसकी अपेक्षा मिलेगा, छठे सातवें गुणस्थान के अनुसार कुछ बदल नहीं होता। तो कल मुझे किताब के आधार से पूछे गए प्रश्न चाहिए, फिर से बोलता हूँ, किताब पूरी आप छठवां गुणस्थान पढ़ना और वहाँ के प्रश्न पूछना, आप अपने शंकाएं पूछते हो ये बाद की बात आवश्यक है, मुझे पहले किताब के प्रश्न चाहिए। अन्ना जी, जब सातवें गुणस्थान से भावलिंगी मुनिराज छठवें में आते हैं तो यानी कि हर अंतर मुहूर्त में आते रहते हैं, तो क्या फिर वो सात जब छठवें में आए तो फिर तुरंत पुरुषार्थ करने लगते सातवें जाने का कि थोड़ी समय रुकते हैं? सातवें में ही जाने का पुरुषार्थ चलता है, और सातवें में नहीं जाएंगे, छठवें का काल पूरा करेंगे तो नीचे जाना पड़ेगा, विशिष्ट काल जो अंतर्मुहूर्त है उतने अंतर्मुहूर्त काल में ऊपर जाएंगे तो ठीक, नहीं तो नीचे जाना पड़ेगा। मैं ये जो बताया वो बराबर ख्याल में रखना, कल मुझे किताब आपने पूरी पढ़ी है, किताब के माध्यम से जो प्रश्न आएगा उसका ही उत्तर दिया जाएगा, बाकी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। फिर से तीसरी बार बोलता हूँ, सबको कल पढ़ के ही आना है और कल छठवां गुणस्थान पूरा करना है मुझे, इसलिए छठवें गुणस्थान में गुणस्थान पढ़ने के बाद ही छठवां गुणस्थान पूरा प्रकरण पढ़ो, बाद में पूछो। बोलो, कल पूछो ना, समय हो चुका है, कल पूछो। बोले बोले 2400 भगवान की।